News24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम अयोध्या जिला मुख्यालय पर हैं और हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार संजीव आजाद मौजूद हैं। आप कई चैनलों में काम कर चुके हैं और आप मौजूदा समय में एक बड़े अखबार में जिला संवाददाता हैं। तो आज हम जिला मुख्यालय पर, हमारा आज का विषय है जो आज की पत्रकारिता है, आज की पत्रकारिता और सोशल मीडिया में उसकी भूमिका। तो सबसे पहले आपका News24 में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी जी। तो आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आज की मीडिया पर बहुत तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मीडिया पर लोग अंगुली उठाते हैं, जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया पर आज के दौर में लोग सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि पत्रकारिता पर जो अंगुली उठ रही है, जो सवाल उठ रही है, उस पर हम लोग कैसे उस पर जो है अंकुश पाए। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि पत्रकारिता जो वास्तव स्वरूप है उससे कहीं ना कहीं भटकती जा रही है। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता कहीं पतन में जा रही है, पत्रकारिता आज भी है। जी जी। लेकिन जो पहले की पत्रकारिता थी शुरुआती दौर में, तो एक समाज सेवा के रूप में की जाती थी। एक अखबार, एक पेज का अखबार होता था, दो पेज का होता, लोग एक दूसरे तक पहुँचाते थे, उससे खबरें पहुँचती थी। उसके बाद फिर अब जो आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, अखबार हैं, तो आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत मत हो, लेकिन जो पत्रकारिता है आज की, कहीं ना कहीं व्यवसाय हो गई है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज आप समाज सेवा के रूप में करेंगे और जब उसको व्यवसाय के रूप में करेंगे, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज आपको बताएं कि जैसे जो सोशल मीडिया है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे, प्लस माइनस, जो भी समझ सकते हैं दर्शक। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि आप उस पर कुछ भी डाल दीजिए, वो अगर वायरल हो गया तो लोगों तक पहुंच गया। जी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है हमको, लेकिन हम वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं जिससे कहीं हमारे जिले का, प्रदेश का और देश का वातावरण न खराब हो। चलिए ठीक है, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। अभी आपने कहा कि अभिव्यक्त की आजादी, हमारे संविधान में अभिव्यक्त की आजादी, जिसे फ्रीडम ऑफ फाइट कहते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अब मीडिया हाउस जो है पत्रकारों को नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने हिसाब से खबर को चला रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे, थोड़ा चंद शब्दों में बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये चूंकि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है, एज ए पत्रकार मैं सीधा जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया है तो जवाब भी देना जरूरी है। दरअसल है क्या, कोई भी संस्थान हो, उसकी अपनी एक गाइडलाइन होती है, उसका एक मानक होता है, वो जो है शीर्ष लोग तय करते हैं। तो जो आपने कहा कि एडवाइजरी जारी होती है, उस हिसाब से जो उनको ऊपर से आदेश मिला, तो यहाँ एडवाइजरी जारी हुआ, उसी के दायरे में रह के हमको काम करना। क्यों, किसी भी संस्थान में आप रहेंगे तो हम सबसे पहले संस्थान के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि आज की जो मीडिया हाउस है, उनका केवल बिजनेस हो गया है, पत्रकारिता कम और बिजनेस ज्यादा है, क्या आप इसे? नहीं नहीं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए ठीक है, दोनों कह सकते हैं आप इस, हो सकता है आप इस बात को जो खुल के ना बोल पाए, क्योंकि आप भी एक जो जिला संवाददाता है और आप एक जो है बड़े बैनर से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं सोशल मीडिया पे। आज की सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, जहां पर बड़े बड़े चैनल नहीं जाते हैं, बड़े बड़े अखबार उस खबर को छोड़ देते हैं, उस आवाज को नहीं कवर करते हैं, चाहे वो प्रशासन के दबाव में, चाहे मीडिया हाउस के दबाव में, उस समय सोशल मीडिया जाता है और उस खबर को प्रमुखता से उठाता है और आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिलता है। तो आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कहां तक जो सही मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, युवा हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं, मान लीजिए किसी बैनर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो जो सामाजिक समस्याएं हैं, तमाम चीजें हैं, वो सोशल मीडिया पे ला सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक बैड इफेक्ट भी है। जी जी। कि जैसे हम चाहे जो पाए, जैसे अभी एडवाइजरी की बात हुई थी, हमने चाहे जो उठाया सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उससे बहुत चीजें ऐसी आती, समस्याएं भी होती हैं। आपको पता है कई जगह जो है प्रतिबंधित भी करना पड़ा है, जैसे जम्मू कश्मीर ले लीजिए उदाहरण में। तो कुल मिला के जैसा मैंने बताया, दो पहलू होते हैं। अगर अच्छी चीजें आ रही हैं, तो सोशल मीडिया से अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ है ही नहीं है। जी जी। लेकिन उसका कहीं कहीं कभी मिसयूज भी होता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। जी जी, बात आपकी सही है। सोशल मीडिया पर जो डालता है, उसको ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए और अनुभव चाहिए। एक हिंदी में कहावत कहिए भैया, पढ़ा और कढ़ा दोनों में अंतर होता है। तो अगर आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है कढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री हो भी जाती है, अगर आप मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, पत्रकारिता की डिग्री कर लेते हैं, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो
आप बेकार हैं। ये अब बात आती है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जहां तक हमें लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो बड़े बड़े पत्रकार आज के दौर में जो मीडिया हाउस को छोड़ चुके हैं और जाकर अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और जो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी होती है, तो अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक जो है मीडिया हाउस में संभव है कि स्वतंत्र पत्रकारिता में संभव है, थोड़ा देखिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की जो है केवल चर्चा हो रही है, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे दोनों चीजें हैं, जैसे किसी संस्थान से जुड़े हैं तब तो जाहिर बात है आप वहीं तक अभिव्यक्ति अपने कर सकते हैं जहां तक गाइडलाइन होगी। जी जी, रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया पे अभी मैंने पहले बताया भी कि आप वो अभिव्यक्ति अपनी करिए जिससे हमारे जिले का, प्रदेश का, देश का किसी तरीके से सांप्रदायिक कोई हिंसा ना हो, कोई वैमनस्यता ना फैले या कोई विवाद ना हो उस तरीके से। चूंकि जाहिर बात विवाद दो तरीके से होते हैं, जैसे अगर कहा जाए सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, आपके जिले का, देश का, प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, वहां तक आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताया। आप यहाँ जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके पास अनुभव भी है, तो आप जो इस समय सोशल मीडिया का पोर्टल चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समस्या को, क्षेत्र की परेशानी को और पीड़ितों के दर्द को उठाने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से, जिनको बड़े बड़े चैनल उस खबरों को पचा जाते हैं, सीधा निकल जाते हैं, उस दौर में आज के सोशल मीडिया के पत्रकार उस खबर को उठा रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म है जी। जो चीजें कहीं नहीं दिखती है, दरअसल देखिए चैनल या अखबार वो देखते हैं कैटेगरी, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो कैटेगरी नहीं देखेगी। बहुत जैसे एक गांव की एक नाली की समस्या है तो किसी बड़े मीडिया हाउस में नहीं चलेगी, नहीं चलेगा वो। आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उस व्यक्ति को अगर न्याय मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर चैनल या बड़े अखबार के भरोसे रहता हो सकता है उसको न्याय ना मिले, तो इसलिए सोशल मीडिया यहाँ तो बहुत उपयोगी है। चलिए ठीक है, कि जैसा कि पत्रकार साहब का कहना है कि जो सोशल मीडिया होते हैं बहुत अच्छी चीज है और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों हैं, लेकिन आपको सकारात्मकता दिखाना है, आपको नकारात्मकता पर नहीं जाना है। और आपको अगर आप लोग खबरें चला रहे हैं, आप उस खबरों में विश्वसनीय होनी चाहिए, अगर आपके खबरों में विश्वसनीयता रहेगी तो दर्शक आपकी खबरों को देखेंगे और सोशल मीडिया हमेशा सफल रहेगा। क्योंकि आज के समय में करीब 10 साल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया काफी तेजी से चल रहा है और लोगों को इसके माध्यम से न्याय भी मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमने चर्चा किया और आपने लोगों को, हमारे दर्शकों को अहम जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।